अनुष्ठान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हिंदू पूजा में, जिसके बिना कोई भी पूजा अधूरी है। अनुष्ठान का महत्व जानिए इस रिपोर्ट। अनुष्ठान एक भागवत का अंग है। पहले यज्ञ होता है, इसके बाद अनुष्ठान होता है। जो भागवत में पहले सबसे पहले तो जो अपन देखें कि वहाँ पर गणेश जी का पूजन होता है, गणेश जी जो अपने अनुष्ठान के हैं वो विघ्न विनाशक हैं, इसलिए गणेश जी का सबसे पहले अपन पूजन करते हैं। पूजन के बाद जो कलश है, कलश में जितने भी तीर्थ हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, सभी तीर्थों का अपन वरुण देवता में आवाहन करते हैं कलश में, उसका पूजन करते हैं। फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पर जो बहुत सारी सुपाड़ियाँ रखी हुई हैं, सुपाड़ियों में अपन सभी देवताओं का आवाहन करते हैं। सुपाड़ियाँ क्या है, एक कठोर फल है। देवता जब भी अगर किसी को बुलाएंगे तो उसको बड़े प्रेम से बुलाना पड़ता है, इसलिए सुपाड़ी जो अपन अनुष्ठान में रखते हैं वो ख़राब नहीं होती है। और दूसरी चीज़, अगर दूसरा फल कोई रखते हैं अपन तो वो फल ख़राब हो सकता है, इसलिए अपन सुपाड़ियों में आवाहन करते हैं। अगर जैसे आप बोले कि जैसे ये चावल कई कलर के रखे हुए, तो हर देवता का कलर अलग अलग स्वरूप है। जैसे अपन देख रहे हैं उस साइड में नवग्रह रखे हुए हैं, नवग्रहों में जैसे सबसे पहले अपन देखें सूर्य, सूर्य का जो कलर है वो लाल है। इसके बाद जो चंद्रमा है वो श्वेत का आकार का है। इसके बाद अपन उसके नीचे अगर देखेंगे तो मंगल है, मंगल का जो आकार है वो भी लाल है। इसके बाद शुक्र है, शुक्र का भी जो आकार है वो सफ़ेद है। इसके बाद अपन बुध को देखें तो बुध हरा है, और गुरु जो है गुरु पीला है। फिर राहु और शनि केतु ये ब्लैक है, इसलिए अपन अनुष्ठान में ये कलरों का उपयोग करते हैं। अपन जवारे बोए जाते हैं, किसी भी स्वरूप को अगर देखना है तो इसमें जो हरे कलर के देखे, कई लोग जवारे बोते हैं तो जमते नहीं हैं, लेकिन यहाँ ये जवारे प्रतीक कर रहे हैं कि जो अनुष्ठान हो रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है भागवत का, प्राची देवी जी का, ये बढ़िया चल रहा है। इससे इसकी रूपरेखा का समझ में आता है अपन को कि कैसे अनुष्ठान चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, भागवत कैसी चल रही, इसलिए अपन जवारे बोते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति का शरीर है, शरीर में अगर प्राण नहीं है तो वो शरीर कोई काम का नहीं है, वो तो मिट्टी है। इसलिए भागवत के पहले अनुष्ठान किया जाता है। कोई भी कार्य होता है, अपन घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले भूमि पूजन करते हैं, इसके बाद घर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से अपन सबसे पहले पूजन, क्योंकि पहले तो देवता है, भागवत भी एक देवता है, इसलिए सबसे पहले अपन लोग अनुष्ठान का ही करना चाहिए। Global advertisers scaling new heights in outdoor media.